सो टूडे अवर टॉपिक इज एक्सरसाइज सेवन पॉइंट फाइव दैट इज द ऑप्शनल दैट इज द ऑप्शनल एक्सरसाइज बट हमें करना है ठीक है उसमें बोला है नॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बट कई बार क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा फिरा के ऐसे आ जाता है कि वो उन्हीं के ऊपर बेस्ड होता है तो हम क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं कोई भी सारे क्वेश्चन करेंगे ताकि हमारे हमारे विजिबिलिटी और क्लियर हो जाए कि कौन सा क्वेश्चन कैसे करना है वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू शेयर कि जो हमारी एक्सरसाइज है सेवन पॉइंट फोर वो 2021 के सिलेबस में नहीं है ठीक है 2021 के सिलेबस में नहीं है कौन सी एक्सरसाइज 7.4 तो वो किसके ऊपर बेस्ड थी इनइक्वैलिटी ऑफ ट्राइंगल तो मतलब इनइक्वेलिटी ऑफ ट्राएंगल हमारे सिलेबस में नहीं है 2021 के लिए तो ये एक्सरसाइज आपको नहीं करनी अगर आप करना चाहें तो एक बार रिवाइज कर सकते हैं ताकि बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाए इनइक्वेलिटी होता क्या है ठीक है एक्सरसाइज सेवन नॉट इन सिलेबस दैट इज़ द इनिक्वालिटी ऑफ ट्राइंगल अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर वन हमारे पास क्या है ए बी सी इज अ ट्राइंगल। लोकेट ए पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी विच इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ऑल द वर्टिस ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी अब एक चीज़ आपको अगर ध्यान हो तो हमने किए थे सरकम और, सेंटर और ऑर्थो सेंटर वगैरह हमने काफ़ी सारी डेफिनेशनस की थी तो कोई भी पॉइंट जो हमारे इंटीरियर ऑफ द ट्राइंगल में होता है और सभी वर्टिस से इक्वी डिस्टेंट होता है उसे बोलते हैं सरकम सेंटर तो मैं लिख रही हूं एन इंटीरियर पॉइंट कोई भी पॉइंट जो अंदर की साइड है विच इज कहाँ से इक्वी डिस्टेंट बोला है सभी पॉइंट से विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ऑल द वर्टिस ऑफ ट्राइंगल एबीसी सर्कम सेंटर सरकम सेंटर मतलब क्या है कि वो पॉइंट जो है वो ट्राइंगल ए बी सी के तीनों कॉर्नर पॉइंट से एक भी डिस्टेंट होगा तो सरकम सेंटर ड्रॉ करना है अब सरकम सेंटर है तो मतलब उस सेंटर पॉइंट से एक सर्कल ड्रॉ होगा जो कि ट्राइंगल ए बी सी के आउटर में लाई करेगा तो हमें क्या करना है हमें सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ करना है जो ट्राइंगल ए बी सी से पास करे ठीक है तो हमने कैसे स्टार्ट किया क्वेश्चन क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया सबसे पहले ठीक है फिर वो जो सर्कल ड्रॉ किया है उस सर्कल के अंदर ट्राइंगल ए बी सी हमने ड्रॉ कर लिया ठीक अब मैं ड्रॉ कर रही हूँ कोई भी एक सर्कल ये सपोज मैंने सर्कल ड्रॉ कर लिया सर्कल में ट्राइंगल ए बी सी ड्रॉ कर लो दिस इज ए पी एंड सी मैंने तीनों वर्टिसेस को ज्वाइन कर दिया ये हमारे पास आया ए दिस इज बी एंड दिस इज सी ठीक है बट हमें सेंटर ऑफ द सर्कल तो नहीं पता तो सेंटर ऑफ द सर्कल कैसे आता है हमारे पास सेंटर ऑफ द सर्कल हमेशा कैसे आता है ये भी लिख लेते हैं फिर बाद में दोबारा से कंटिन्यू करेंगे सेंटर ऑफ सर्कल इज इंटरसेक्शन ऑफ इंटर सेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बायसेकटर्स किसके परपेंडिकुलर बायसेक्टर्स जो भी हमारी साइड्स है परपेंडिकुलर बायसेकटर्स ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी ठीक है जो भी हमारे पास साइड है अगर उसका परपेंडिकुलर बायसेक्टर आप ड्रॉ करोगे तो जहां पे वो कट होंगे दैट इज द सेंटर ऑफ द सर्कल क्यों रीजन क्या है इसका बिकॉज जो हमारे पास परपेंडिकुलर बाय होता है वो क्या होता है परपेंडिकुलर बाय इज द कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर जो कॉर्ड होती है परपेंडिकुलर बायसेक्टर वो पास करता है कहाँ से सेंटर से तो इसलिए हमें सबसे पहला हमारा काम क्या है वी हैव टू ड्रॉ परपेंडिकुलर बाय वी हैव टू ड्रॉ पेंडिकुलर बायसेक्टर ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल एबीसी यही करना है हमें परपेंडिकुलर बायसेक्टर का मतलब ऐसी लाइन जो परपेंडिकुलर भी हो और एक दूसरे को बायसेक्ट भी करे ठीक है अब जो सेंटर ऑफ द सर्कल होगा वो एबीसी से इक्वल डिस्टेंस पे होगा तो हम यहाँ पे लिखते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल विल बी इक्वी डिस्टेंट इक्वीडिस्टेंट फ्रॉम ए कॉमा बी कॉमा सी तो मेन टारगेट हमारा क्या हुआ मेन टारगेट हमारे पास क्या हो गया टू फाइंड सेंटर ऑफ द सर्कल तो हमें क्या करना है सर्कल का सेंटर फाइंड करना है अब सर्कल का सेंटर कैसे फाइंड करना है पर पेंडिकुलर बाई सेक्टर ड्रॉ करना है तो परपेंडिकुलर बायसेक्टर कैसे ड्रॉ करेंगे पहले मैं लिखती हूँ फिर ड्रॉ करते हैं ड्रॉ परपेंडिकुलर बायसेक्टर ऑफ ए बी कैसे ड्रॉ करना है इसके स्टेप लिख रही हूँ टेक ए कॉम्पस पहले एक कॉम्पस लेना है कॉम्पस के साथ आपको क्या करना है विद पॉइंट ए पहले ए पॉइंट पे कॉम्पस रख के विथ पॉइंट ए एज पॉइंट ई मतलब ए पे हमने पॉइंट रखना है एंड बी पे क्या रखना है पेंसिल तो बी पे पेंसिल रखी हमने एंड ऑफ द कम्पस रख दिया ठीक है उसके बाद क्या किया मार्क एन आर्क अब एंड बिलो ए बी क्योंकि ए बी की बात कर रहे हो ठीक है हो गया अब हमारे पास सेम हमें क्या करना है डू सेम एज बी विद पेंसिल एंड नहीं बी तो पहले भी पेंसिल ली थी अब ए पे पेंसिल लेना है ए विद पेंसिल एंड बी एस पॉइंट ठीक है उससे भी यही करना है जो हमारे पास प्रीवियस आर्क आई थी उनको कट कर देना है हो गया परपेंडिकुलर और फिर उनको ज्वाइन करता है एंड कट प्रीवियस आर्स जो भी आर्स आई थी उनको कट करना है फिर क्या करना है ज्वाइन द कटिंग पॉइंट ऑफ दोनों कटिंग पॉइंट्स आए हैं वो आपको ज्वाइन करते हैं ठीक है थीके? अब देखें फिगर में हमने कैसे किया है आपको क्या करना है पहले ए पॉइंट पे कॉम्पस रखना है बी पॉइंट पे पेंसिल रखनी है एक आग ऊपर की तरफ एक आग नीचे की तरफ हो गई ड्रॉ सपोज यहाँ तक ले लेते हैं थोड़ा दिखने में सही रहेगा उसके बाद सेम आपको क्या करना है बी पॉइंट पे क्या लेना है कॉम्पस लेना है ए पॉइंट पे पेंसिल और फिर क्या करना है इसको कट कर देना है ये दोनों आग कट हो गई अब इन दोनों आग को आपको ज्वाइन करना है विद द हेल्प ऑफ स्केल स्केल की हेल्प से आप ज्वाइन करते हुए जाओगे आगे डॉटेड डॉटेड से आपको ड्रॉ कर तो ये हमारे पास क्या आ गया परपेंडिकुलर बायसेक्टर ऑफ ए बी जो ए बी को दो इक्वल पार्ट में भी डिवाइड कर रहा है और नाइनटी डिग्री पे भी ड्रॉ कर रहा है डिवाइड कर रहा है सेम हमें क्या करना है किसका बायसेक्टर ड्रॉ करना है ए सी का तो लिखते हैं यहाँ पे नंबर टू क्या होगा सिमिलरली ड्रॉ बायसेक्टर ऑफ ए सी ठीक है एसी का बायसेक्टर ड्रॉ कर लिया अब जहां दोनों कट हो रहे हैं बायसेक्टर तो वो पॉइंट क्या आ जाएगा हमारे पास वो पॉइंट आ जाएगा उस पॉइंट को क्या लेंगे नेम ले लिया हमने ओ तो कट करें यहां पे भी अब मैंने क्या लिया ए सी आप कोई भी ले सकते हो बी सी लाइन भी ले सकते हो तो इसका सपोज एक कट यहाँ पे एक कट यहाँ पे फिर इधर से कट इधर से कट दोनों को ज्वाइन किया ऐसे आगे की तरफ ज्वाइन हो गया आपको करके देखना है तो ये पॉइंट मेरा क्या हो जाएगा ओ पॉइंट आ जाएगा ठीक है ये अच्छे से लिखना है क्लियर लिखना है थर्ड पे क्या लिखा मार्क पॉइंट ओ वेयर टू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स इंटरसेक्ट ठीक है तो यहां से मेरे पास क्या आ गया ओ इज सेंटर ऑफ सर्कल अब सेंटर ऑफ सर्कल है तो मतलब सर्कम सेंटर हो गया ट्राइंगल के लिए दस लास्ट में क्या लिख देंगे पॉइंट ओ इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए बी एन सी ए कॉमा बी एन सी ठीक है इजी क्वेश्चन है सॉर्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन हो गया बट सर्कम सेंटर यूज हो रहा था इसलिए दोबारा से देख सकते हो फिगर में हमें क्या करना है पहले ए पॉइंट बी पॉइंट दोनों पे एक ए पे कंपस बी पे पेंसिल आग कट करनी है ऊपर नीचे की तरफ फिर रिवर्स करके तो जो ये कटिंग पॉइंट आए इनको ज्वाइन करना है ऐसे ही ए और सी का परपेंडिकुलर बाई सेक्टर ड्रॉ करना है जहाँ पे दोनों ने कट किया दैट इज द सेंटर ऑफ द सर्कल जो सेंटर ऑफ द सर्कल है वो ए बी और सी तीनों पॉइंट से इक्वी होगा ये आपको ध्यान रखना है दिस इज द इम्पोर्टेंट वन की सर्कम सेंटर का मतलब द पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ द ट्राइंगल विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ऑल इंटीरियर। नाउ क्वेश्चन नंबर टू इज इन अ ट्राइंगल फिर वही ट्राइंगल पे बात है लोकेट अ पॉइंट इन इट्स इंटीरियर फिर से इंटीरियर में एक पॉइंट लोकेट करना है और कैसे लोकेट करना है विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ऑल द साइड ऑफ द ट्राएंगल अभी क्या था ऑल द वर्टिस अब क्या है ऑल द साइड से हमारे पास गिवन है ठीक है तो डिफरेंस क्या होगा जब हमारे पास वर्टिसेस था आप देखो ऊपर फिगर में जब वर्टिसेस है मतलब एंगल है एक तरह से तो हमने साइड को बाइसेक्ट किया है अब अगर साइड की बात करनी है तो हमें किसको को बाइसेक्ट करना पड़ेगा एंगल को बाइसेकट करना पड़ेगा सिर्फ इतना डिफरेंस है और जो इंटीरियर पॉइंट आता है उसे क्या बोलते हैं इन सेंटर बोलते हैं तो पहले मैं लिख देती हूँ वो सारी चीज़ें जो जो हमें जरूरत पड़ेगी एन इंटीरियर पॉइंट एन इंटीरियर पॉइंट विच इज इन ट्राइंगल विच इज इक्वी डिस्टेंट कहाँ से इक्वी डिस्टेंट होना चाहिए साइड से फ्रॉम ऑल द साइड्स, तो उसको हम क्या बोलेंगे इज इट्स इन सेंटर ये ध्यान रखना है इन सेंटर इन सेंटर सरकम सेंटर जो कि वर्टिस से इक्वल डिस्टेंस पे हो इन सेंटर जो कि साइड से हमारे पास इक्वल डिस्टेंट हो अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा टू लोकेट इन सेंटर ऑफ एबीसी फाइंड क्या करेंगे एंगल बाई सेक्टर फाइंड इट्स एंगल बाय अब इन सेंटर नाम से तो पता ही है इन सेंटर का मतलब जो हमारा सर्कल आएगा वो ट्राइंगल के अंदर की तरफ आएगा ठीक है अब ड्रॉ करें तो सबसे पहले मैं ट्राइंगल ड्रॉ कर लेती हूँ ट्राइंगल अगर मैंने ड्रॉ किया और उसके अंदर एक छोटा सा सर्कल ड्रॉ करना है ये हमारे पास ट्राइंगल आ गया दिस इज द ट्राइंगल कैसे भी ड्रॉ कर सकते हो परपेंडिकुलर की जरूरत नहीं है इसके अंदर एक सर्कल आएगा जो उसके तीनों पॉइंट्स पे टच करेगा ये जब हम पेंसिल स्केल और कॉम्पस से ड्रॉ करेंगे ना तो ईजिली ड्रॉ हो जाएगा मेरे पास कॉम्पस और स्केल नहीं है इसलिए आपको ड्रॉ करने में डिफिकल्ट दिख रहा है हो गया सर्कल इसको नेम दे देते हैं दिस इज ए पॉइंट दिस इज बी पॉइंट दिस इज सी पॉइंट एंगल बाई से स्टार्ट करना है तो एंगल बाई सेक्टर के स्टेप्स लिखते हैं पहले तो हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं फाइंडिंग फाइंडिंग एंगल बाई ठीक है अब एंगल बाई सेक्टर के लिए हम क्या कर रहे हैं सबसे पहले हम एंगल बी का बाई सेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ फॉर एंगल बी स्टेप्स लिखना शुरू करते हैं एंगल बाई सेक्टर के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है फिगर में ध्यान दो कोई भी एक कॉम्पस ओपन करना है बी को अगर हम ले रहे हैं एंगल बाई सेक्टर के लिए दिस इज द बी पॉइंट यहाँ पे कॉम्पस रखना है कोई भी एक आर्क ड्रॉ कर देनी कहीं भी आपकी मर्जी है ठीक है ज्यादा बड़ी नहीं लेनी ड्रॉ करने के बाद आपके पास दो पॉइंट्स आ जाएंगे ई e और डी दो पॉइंट आ गए अब आपके पास दो पॉइंट्स आ गए ई e और डी उसको बाइसेक्ट करना है आपको कैसे एक बार डी पे कॉम्पस रखा ठीक है ऊपर की तरफ एक आग कट करी ऐसे ई e पे कॉम्पस रखा उस आग को कट कर दिया जो आर्क हमारे पास कट हुई है उसको बी पॉइंट से ज्वाइन करते हुए सीधे आगे की तरफ ले जाना है ठीक है क्लियर यहाँ तक ये हमारे पास हो गई फर्स्ट लाइन ऐसे ही हम सी एंगल को ड्रॉ करेंगे तो ऐसे ही दोनों को इंटरसेक्ट करने के बाद हमारे पास क्या आएगा सपोज दिस इज़ द एंगल बाई सेक्टर ऑफ सी तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा दिस इज़ द ओ पॉइंट जिसको मैं इन सेंटर बोल रही हूँ सी को भी ऐसे ही ड्रॉ करना है ठीक है तो ये हमारा ओ आ जाएगा इन सेंटर तो मैं स्टेप्स लिखना शुरू करती हूँ पहले मैंने लिखा ड्रा एन आर्क ऑफ एनी रेडियस कोई भी रेडियस लेनी है रेडियस फिक्स नहीं है ऑफ एनी रेडियस इंटरसेक्टिंग कहां पे इंटरसेक्ट कर रही है जो कहां पे इंटरसेक्ट कर रही है बी ए एंड बी सी एट किस किस पॉइंट पे ई एंड डी दोनों पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है देखो दिस इज ई दिस इज डी लिख दिया हमने यहां ई e डी पॉइंट पे नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है ई e पे कॉम्पस डी पे सेंटर रख के करना है टेकिंग ई एंड डी एस एज सेंटर सेंटर लेके हमें क्या करना है आग ड्रॉ करनी है सेंटर्स एंड विथ द रेडियस कैसे हमने आग ड्रॉ करनी है मोर देन हाफ ऑफ डी ऐसे ही करते थे हम हाफ ऑफ डी ई डी ई से थोड़ा सा ज़्यादा जो उसका हाफ है उससे थोड़ा सा ज़्यादा लेके कर आग ड्रॉ करना है फिर क्या करना है उन आग को कट कर देना आग्स तो है ड्रॉ आगस टू इंटरसेक्ट ईच अदर ठीक है इंटरसेक्ट ईच अदर लिखती हैं यहाँ पे ये जो पॉइंट आया इसको मैंने नेम दे दिया यहाँ पे जहाँ दोनों आग कट कर रही थी इस पॉइंट को नेम दे देते हैं एफ नेक्स्ट पॉइंट क्या हो गया मार्क द पॉइंट एज एफ एफ मार्क कर दिया इस पॉइंट को एफ मार्क करने के बाद क्या किया नेक्स्ट स्टेप में जॉइन बी एफ बी एफ को जॉइन कर दिया तो बी एफ क्या हो गया तो बी एफ क्या हो गया बी एफ इज द एंगल बाय सेक्टर ऑफ एंगल बी ठीक है नेक्स्ट स्टेप सिमिलरली ड्रॉ एंगल बाय सेक्टर ऑफ एंगल सी ले लिया जहां पे दोनों इंटरसेक्ट करेंगे सी भी ले सकते हो ए भी ले सकते हो नेक्स्ट स्टेप हुआ मार्क ओ एज इंटरसेक्शन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाय सेक्टर ऑफ एंगल बी एन एंगल सी ठीक है तो सी ओ हमारे पास क्या आ गया इन सेंटर तो यहां पर लिख दिया दस ओ इज इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इन सेंटर है हेंस पॉइंट ओ इज इक्वीडिस्ट टेंट ठीक है इक्विडिस्टेंट डिस्टेंट फ्रॉम ऑल साइड्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी ठीक है जैसे हमने ऑर्थोसेंटर सॉरी ऑर्थोसेंटर नहीं सरकम सेंटर के लिए किया था वैसे ही हमने इन सेंटर के लिए किया मतलब ओ से जो ये डिस्टेंस है ओ से ये वाली डिस्टेंस और ओ से ये वाली डिस्टेंस ये तीनों डिस्टेंस क्या होंगी इक्वल होंगी ये भी अच्छा क्वेश्चन है दोनों देखो कंस्ट्रक्शन टाइप के क्वेश्चन थे नाउ वी विल मूव टू द थर्ड क्वेश्चन अब थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री इज इन अ पार्क पीपल्स आर कंसेंट्रेटेड एट थ्री पॉइंट कोई भी पार्क है कंसंट्रेटेड का मतलब ज्यादा भीड़ कहाँ पे है ठीक है वेयर देयर आर डिफरेंट स्लाइड्स एंड स्विंग्स फॉर द चिल्ड्रेन तो हमारे पास एक पॉइंट दे रखा है ए ये हमारा ए पॉइंट है जहां पे क्या है बहुत सारे पीपल गैदर है जहाँ पे हमारे पास स्विंग्स है स्लाइड्स से हैं सेकेंड बोला है नियर विच आज सिचुएटेड बी पॉइंट पे कोई हमारे पास लेक बना रखी है वो गिवन है सी पॉइंट इज विच इज नियर टू ए लार्ज पार्किंग एंड एग्जिट तो यहाँ पे एक पार्किंग भी है और एक एग्जिट बना रखा है तो ये हमारा हो गया सी पॉइंट ये तीन पॉइंट दे रखे हैं क्वेश्चन क्या पूछा है वेयर शुड एन आइसक्रीम पार्लर सेट अप सो देट मैक्सिमम पर्सन कैन अप्रोच आइसक्रीम पार्लर का मतलब कोई भी आइसक्रीम की शॉप है वो हमें कहाँ पे सेटअप करनी है कि मैक्सिमम पीपल उसकी तरफ अप्रोच कर सके मैक्सिमम पीपल अप्रोच करने का मतलब है कि वो ऐसी जगह पे सिचुएटेड हो कि ए बी और सी तीनों से इक्वल डिस्टेंस पड़े तो अगर मैं ऐसी बात करूँ कि एक ऐसा प्वाइंट जो कि इंटीरियर में हो और ए बी सी से इक्वल डिस्टेंस पे हो तो वो कौन सा प्वाइंट होता है सरकम सेंटर अभी हमने पढ़ा था मैंने ड्रॉ किया बी से सी लाइन को ज्वाइन किया ए से बी लाइन को ज्वाइन किया ए से सी लाइन को ज्वाइन किया और फिर ये ऑब्जर्व किया कि जो आइसक्रीम पार्लर है वो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल होना चाहिए मतलब तीनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे होना चाहिए तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे आंसर में क्या आएगा हमारे पास सॉल्यूशन में क्या आ जाएगा द आइसक्रीम पार्लर तो पहले लिख रहे हैं फिर ड्रॉ करेंगे द आइसक्रीम पार्लर शुड बी इक्वी डिस्टेंट शुड बी इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए कॉमा बी कॉमा सी तीनों से इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए फिर हमें क्या पता है द पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंट अभी लिख के आए हैं ऊपर कहाँ से इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए कॉमा बी कॉमा सी इज इन सेंटर सॉरी सरकम सेंटर इन सेंटर क्या होता है साइड से होता है इज सरकम सेंटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी ठीक है तो अब सरकम सेंटर तो हम ऑलरेडी ड्रॉ कर चुके हैं ऊपर फिगर ऊपर वाले क्वेश्चन में तो अब क्या करेंगे आपको खुद करना है ड्रॉ सरकम सेंटर योर सेल्फ क्या था एज इन क्वेश्चन वन तो ये आपको खुद करना है आप सरकम सेंटर ड्रॉ करोगे और फिर आप दिखाओगे कि सरकम सेंटर क्या है हमारे पास ठीक है सरकम सेंटर के बाद आपको सर्कल भी ड्रॉ करना है सर्कल ड्रॉ करके आप सरकम सेंटर ड्रॉ कर दोगे जैसे हमने किया था उसमें तो सपोज मेरे पास क्या आया ओ यहाँ पे सरकम सेंटर आ गया तो आप लास्ट में लिखोगे आइसक्रीम पार्लर should be set up at should be set up at O ठीक है ये आपको सरकम सेंटर खुद करना है ये आपको खुद ट्राई करना है बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर वन में किया था